हाँ, तो ये जो वाटर एलिमेंट है, वहां पर अगर आपने वाटर एलिमेंट रख दिया तो हीलिंग फास्ट होती है। सो इफ सपोजिंग एक कैबिनेट है जिसमें आपने दवाइयां रखी हैं, आप उस पर एक फाउंटेन, वाटर फाउंटेन रख सकते हैं। वाटर फाउंटेन थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो जाती है। तो फिर पानी किस एक बोल में पानी रख बोल सकते में हैं, रख सकते हैं, ग्लास में रख एंड सकते चेंज हैं। इट एवरी टाइम। यस, उसको चेंज कर। अच्छा, वो पानी आप पी भी सकते हैं। हाँ, तो वो पानी अपने आप से दवा का काम करता है। नॉर्थ और ईस्ट एंड वाटर, लवली कॉम्बिनेशन। वसुधा जी, एक प्रश्न है, जब वहां दवाइयां रख सकती हैं तो क्या हेल्थ रिलेटेड फाइल्स भी वहां रख सकते जी, हैं? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप वहां रख सकते हैं, ओके। लेकिन रंगों का ध्यान देंगे फिर आप। देखिए, दिशा शक्ति चक्र में ब्लू कलर है। जी दिशा शक्ति चक्र में जहां पर जो कलर है, जिस दिशा में, उसके ऑपोजिट जो कलर है 180 पे, वो वहां यूज नहीं करना है। ओके, ऑपोजिट नहीं करना है। जी, तो हेल्थ से आगे बढ़ते हैं। जी अब जब व्यक्ति स्वस्थ है तो वो क्या चाहेगा? जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम रिजुविनेट होते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि हम अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं। तो एक आपको विजन मिलता है, आप देख ओके, सकते हैं। आप राइट। देखिए ना, जब तक आप स्वस्थ नहीं है तो आपका ध्यान कहाँ है? द मोमेंट आपको स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, आप कुछ और करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये प्रेरणा क्या है? ये प्रेरणा ईश्वर से मिलती है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईश्वर का डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य, ईशान्य। जहां हम नॉर्मली टेंपल रखते हैं। जी, ओके। अच्छा, अब आप दिशा शक्ति चक्र में देखिए कि यहां का रंग क्या है, आप बताइए। ब्लू ब्लू है। ब्लू अच्छा, बहुत बार लोग कहते हैं, अच्छा, हमारी ये जो पारंपरिक वास्तु है, इसमें भी कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में देवता होने चाहिए। बिल्कुल, यस। देवता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वहां पर आपने ऑस्पिशियस कलर, जो आप पूजा के लिए मानते हैं, लाल, रेड, हाँ ऑरेंज, हाँ यही तो कलर मानते हैं, जी अगर आपने वहां रख दिया तो दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वास्तु पुरुष का सिर भी होता है। ओके। और सिर में अगर अग्नि है, ओ, सो द रेड फैमिली शुड नॉट बी देयर इन द नॉर्थ ईस्ट राइट, डायरेक्शन। अगर आपका मंदिर भी वहां है तो वहां लाल रंग का कपड़ा, या जो, व्हाट डू वी से दैट, उसको क्या, बिछावन। बिछावन जो होता है वो प्लीज रेड फैमिली का ना रखें। हाँ, यहाँ क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में हमने बड़ा सुंदर सा मंदिर बनाया। अब हमारी, हम क्योंकि भगवान को बहुत मानते हैं, तो हमने मंदिर भी बड़ा ह्यूज बना दिया, हेवीनेस है। तो वो बहुत बड़ा मंदिर, बहुत हैवी मंदिर जब नॉर्थ ईस्ट में होता है तो सिर पे बोझ आ जाता है। तो ये मार्बल तो इज ऑलवेज हैवी, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। बट जिनके घर में 10-15 देवताओं की तस्वीरें या आइडल्स होते हैं, वो बंदा क्या करे? फिर वो सिर दर्द को झेलता रहे। ओह माय गॉड। तो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि सबसे सेंसिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का सिर है। हाँ, और वहां पर एक और विशेष बात, आपने जैसे कहा कि लाल रंग नहीं प्रयोग करेंगे, जी तो रेड की फैमिली का कोई कलर नहीं यूज करेंगे। वहां पर हम पूजा करते हैं तो पूजा के बहुत सारे पुराने फूल होते हैं। और हम हाँ क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मुंबई में तो निर्मल कलश होते हैं, तो पूजा के फूलों का हम वहां पर निस्तारण करते हैं। कई जगह पर क्या होता है कि हम उनको इकट्ठा करते रहते हैं, किस समय मिलेगा तो जाकर के उसको जल प्रवाहित एक्चुअली करेंगे। मेरे मंदिर के पास भी एक थैली में मैं रोज पूजा के फूल डालती हूँ। हाँ, अगर ये मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है जी और वो पूजा के फूल स्टेग्नेंट एनर्जी हैं, जी तो मन में विचार रुक जाएंगे। ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू मेक द चेंज इमीडिएटली। जी, तो नॉर्थ ईस्ट को बहुत ध्यान से रखना है इस दिशा को। ओके, तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज जो स्टेग्नेंट है, रुकी हुई है, खराब हो गई है, नहीं रखनी। अच्छा, अब चूंकि दिशा इतनी विशेष है, तो कुछ और विशेष बातें नॉर्थ ईस्ट के बारे में। चूंकि विचारों की दिशा है और विचारों में ड्यूअलिटी आ जाती है, जब घर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हो जाते हैं, तो घर में क्या होता क्लेश, क्लेश है? क्लेश होता होता है। है। ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान गणेश हमारे प्रथम पूज्य देवता, हमारी प्रज्ञा के प्रतीक, हमारी सोच है वो। और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में यदि आपने एक से दो गणेश भी रखे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, विचारों में मतभेद होगा घर के लोगों के। और लोग ये कहेंगे
कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं, इतने नियम से पूजन करते हैं, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, फिर भी हमारे घर में कलेश है। तो गणेश जी की मूर्ति मंदिर में या कहीं नीचे ड्रॉअर वॉर में रख दी तो भी नहीं चलेगा? जोन तो एक ही है। यस, और जोन भी अपना काम पहचानते हैं और भगवान भी अपना काम पहचानते हैं। आज तो मैं क्लीन करने वाली हूँ, मंदिर में देखने वाली हूँ। इट इज मोर देन वन, एंड इज इट ओनली गणेश जी और एनी गॉड एंड गॉडेस जो एक से ज्यादा ना हो? देखिए, गणेश जी का अगर आप चित्र देखेंगे या उनके आइडल देखेंगे तो वो प्रज्ञा के प्रतीक है, वो हमारी सोच के प्रतीक है। तो सोच में डुअलिटी किसी भी तरह से हो सकती है, दो गणेश जी भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के दो आइडल नहीं होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में पांच देवताओं का पूजन हो सकता है। पंच देवता कौन कौन से हैं? शिव परिवार, राम यानी कि भगवान विष्णु के सभी अवतार, बिल्कुल, लक्ष्मी गणेश जी, माँ दुर्गा, और हमारी जीवनी शक्ति के स्रोत भगवान सूर्य। नॉर्थ ईस्ट में सूर्य जी? राइट, आई थॉट वो तो हमेशा ईस्ट में ही रहेंगे। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो जीवनी शक्ति है हमारी। हमने जन्म लिया तो किसकी प्रेरणा से? ईश्वर की प्रेरणा से। और इस जन्म लिए हुए व्यक्ति को जो सहेज रहा है, जो नर्चर कर रहा है, वो कौन है? भगवान सूर्य। ऊर्जा जो यहाँ से आती है, ऊर्जा के स्रोत है। ओके जी, तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैंने बताया पंच देवताओं का पूजन हो सकता है। जब आगे हम मंदिरों की बात करेंगे, घर में कहाँ कहाँ महावास्तु के किस डायरेक्शन में मंदिर हो सकते हैं, तब मैं आप इस बात को मैं और विस्तार से बताऊंगी। वंडरफुल, यानी कि और कुछ बहुत सारी बढ़िया बातें हैं सुनने को मिलेंगी। नॉर्थ ईस्ट के बाद, नॉर्थ ईस्ट के बाद आता है जोन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओके, यानी कि ईस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यस यस, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ईस्टर्न डायरेक्शन में। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। दिशा शक्ति चक्र पे नजर रखिएगा तो ये है ईस्ट के जो जोन्स हैं वो ग्रीन कलर के बने हुए हैं। वहां का एलिमेंट कौन green. सा हो गया? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, ग्रीन इज एयर एलिमेंट। यस, तो व्यक्ति ने जन्म लिया, अब वो स्वस्थ भी है, उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी है, तो अंदर से क्या विचार आते हैं? हैप्पीनेस, फन, चीयर, फन, रिक्रिएशन। यस, बहुत कुछ अच्छा सा महसूस होता है, आप में उत्साह होता है। तो ये है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों का भी जोन होता है। ओके, लोगों से मिलना जुलना, एक साथ बैठना, हंसी मजाक करना, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है। तो वहां क्या होना चाहिए? आपका लिविंग रूम, हाँ, आपका जो थिएटर रूम होता है वो हो सकता है। ओके, आपका एंटरटेनमेंट जोन हो सकता है, बच्चों के टॉयज हो सकते हैं। जैसे आप याद करिए, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था मेरी फ्रेंड को कि टॉयज को फन एंड रिक्रिएशन के जोन में शिफ्ट कर दो। आपको जिस चीज में आनंद आता है वो करने की दिशा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो म्यूजिक, यस, डांस की रिलेटेड चीजें, बिल्कुल, बुक्स, यस, आपको पढ़ने का शौक है, आपको उन चीजों को पढ़ने से हैप्पीनेस मिलती है। कुछ लोग नॉवेल पढ़ना चाहते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, आजकल तो लोग ऑडियो बुक्स सुनते हैं। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके वो फन वाली चीजें जिससे आपको उत्साह आता है वो सब कर सकते हैं। जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती हो वो आप करिए। यहाँ पर अगर घर में बुजुर्ग है ना, उनका हमने बेडरूम बना दिया। आप देखिए, जैसे जैसे एज होती जाती है, हम बहुत सारी पुरानी यादों को इकट्ठा करके चलते हैं। वो पुरानी यादें हमें कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। जी, तो अगर हमने बुजुर्गों का बेडरूम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बनाया ना, तो वो पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। तो वो पुरानी चीजों को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो लाइफ बिगिंस फ्रेश अन्यू। यस, फन एंड क्रिएशन एंड बेटर लाइफ। लव यू। यस, अगली दिशा जी ईस्ट। जैसा मैंने बताया कि भगवान सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से राइज होते हैं और हमारी जीवनी शक्ति के स्रोत हैं। जी, और ईस्ट में अगर हम हैप्पी भी हैं तो हैप्पी होने के लिए हमें कौन चाहिए? लोग, लोग, फैमिली, फैमिली, सोशली कनेक्ट होना। देखिए, जैसे अब हम मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, हमें लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अकेले खुश रह सकते हैं। राइट,
तो ये जो मिलना जुलना है, जो सोशली कनेक्ट होना है, जो अपने जैसे लोगों से मिलकर के हैप्पी होना है, या फिर गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस है उसका सपोर्ट चाहिए, तो आपके घर का जो ईस्टर्न डायरेक्शन है ना, इसको हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हेल्दी होने का मतलब क्या है कि उस डायरेक्शन में वहां का जो एलिमेंट है ना, बस उसका कलर हो, उसकी एक्टिविटी हो। और वो कौन सा एलिमेंट है? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, सो व्हाट आर द कलर्स? ग्रीन, ब्राउन। ग्रीन एंड ब्राउन, द वुड एंड द ग्रीनरी कलर्स। यस, पेड़ पौधे। तो वहां अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो हाउ इज इट? बहुत ही अच्छा रहेगा, अपने अंदर से वो आपको फ्रेशनेस आएगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन माय हाउस नाउ वसुधा जी। ओके, आई हैव अ बेडरूम जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी है उसमें, ईस्ट भी है उसमें, लेकिन ईस्ट बहुत कम लग रहा है मुझे। वहां है तो पूरा ईस्ट फेसिंग, तो क्या मैं वहां उस बालकनी में पेड़ पौधे लगा सकती हूँ? पेड़ पौधे, आई मीन प्लांट्स रख सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। Okay. बिल्कुल रख सकते हैं। वो क्या होता है, मैंने कहा ना, आपका सबकॉन्शियस कनेक्ट हो जाता है, तो प्लांट को देख करके आपको फ्रेश फीलिंग आती है। तो अगर आपने घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स लगा दिए, ग्रीन प्लांट्स, इधर आर्टिफिशियल और रियल ऑल्सो, कुछ भी लगा सकते हैं, तो उससे आपको अपने अंदर से फ्रेशनेस की फीलिंग होगी। और यही अगर हमने पहले वाले जोन्स में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखा होता तो? मेडिसिनल प्लांट्स आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। ओके, जोन का गुण है ना जी, मेडिसिन या हीलिंग, या तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिनल प्लांट्स रख सकते, यानी कि तुलसी हो, यस, एंड एलोवेरा, यस यस, और आई डोंट नो द अदर मेडिसिन, बहुत सारे प्लांट्स हमारे तो ज्यादातर, क्योंकि आयुर्वेद में प्लांट्स से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं मेडिसिन। तो कोई व्यक्ति आप में से यदि आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हो, तो वो अपने घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अच्छे से हर्बल प्लांट्स रख सकता है। इवन हम किचन गार्डन बनाते हैं ना, जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, जिसमें हम स्प्राउट्स भी ग्रो करते हैं, छोटे मल्टी ग्रेन्स भी ग्रो करते हैं, तुलसी, लेमन ग्रास, इस तरह के हर्ब्स ग्रो करते हैं, वो भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे। अगर नॉर्थ ईस्ट में कर दिए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप प्लांट रखोगे तो उसके नीचे प्लांटर पॉट्स भी होंगे जी, वो हैवी हो सकते हैं, तो हैवीनेस तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलती है ना। राइट, और कलर भी उसका लाल पीला नहीं होना। राइट, नहीं होना। ओके, ध्यान रखना पड़ता है रंगों का जी। रंग हम आगे भी बात करेंगे अपने अगले एपिसोड्स में, आप रंगों का बहुत ध्यान से एक बार अपन जिक्र करेंगे, फुल एपिसोड ही रंगों पे कर लेंगे। जी जी जी, वंडरफुल, बिल्कुल ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं जी। तो अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बाद में हम ईस्ट में आए, यानी सोशल एसोसिएशन का जोन, गुड गवर्नेंस का जोन। कई बार क्या होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें हमें गवर्नमेंट का, कई बार क्या होता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट लगता है, तो ये जो सपोर्ट है ईस्टर्न डायरेक्शन से मिलता है, उसको बैलेंस रखेंगे तो आपके काम स्मूथली होते जाएंगे। बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश जाना, ठीक है, तो वो जो वीजा की सारे काम होते हैं, जो पेपर्स वगैरह, तो अगर आपके घर का ईस्टर्न डायरेक्शन ठीक है ना, तो वीजा फॉर्मेलिटीज यूं पूरी हो जाती है। क्या बात है जी, चेक इट एवरीवन प्लीज। यस, क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तो वो पूरी हो जाती है। अगला जोन आ जाता है, जिसके बारे में जब हमने ये एपिसोड्स की शुरुआत करी थी तो आपने कहा था कि जहां बैठो उस जगह पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बैठ करके आपकी चिक चिक हो जाती। जी बिल्कुल। ये चिक चिक डायरेक्शन में आपको बताती हूँ क्या है। एंग्जाइटी एंड चर्निंग का जोन है, जिसको कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये भी एयर एलिमेंट का ही डायरेक्शन है, लेकिन इसका काम क्या है, चर्न करना, मंथन, मंथन करना। तो आप देखिए, सामान्य बातचीत हो रही है और उसमें कहीं किसी एक व्यक्ति ने मंथन चालू कर दिया, तो वो बातचीत लिंगर ऑन हो जाती है, बढ़ती चली जाती है छोटी छोटी बातों में। चावल, गीला टावल बेड पे क्यों है, जूते क्यों उल्टे पड़े हैं, आज खाने में ये चीज ऐसी नहीं थी। हाँ, आपको बताऊं, डाइनिंग टेबल भी अगर किसी के घर में ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है ना, मेरे में है, इन बातों पे बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। ओके, चर्निंग चल जाती है जी।
तो क्या होता है कि फिर आप उस बात को लेकर के मंथन करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं। तो शरीर का एक अंग है, इंटरनल ऑर्गन है, उसको पैंक्रियास कहते हैं जी। तो ये जो पैंक्रियाटिक एक्टिविटी है ना, जब व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस में आता है, वो पैंक्रियास अपने एक्टिविटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। सो इज दैट द रीजन आई हैव बीन हैविंग डायबिटीज प्रॉब्लम्स? यस, ओ माय गॉड, ये आपके वाइटल्स को हेवाई कर देता है, पैंक्रियाटिक एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर देता है, तो शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाता है या वो अपने मानक को डिस्टर्ब करता है, तो रिजल्ट उसका ये होता है कि शुगर आ जाती है, डायबिटीज हो जाती तो चलिए भाई, मैं अभी अपनी डाइनिंग टेबल का क्या करूं और वहां क्या रखूं? वहां पर। अच्छा, आप में से किसी को, जैसा मंजरी जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अगर ऐसा आपका भी अनुभव है, तो कोशिश करिए कि डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा मूव कर दीजिए, ईस्टर्न डायरेक्शन में कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप सोशली कनेक्ट होंगे, तब आपके घर में पार्टीज बहुत होंगी, क्योंकि लोग आएंगे डिनर करने के लिए या आपके साथ लंच करने के लिए, मिलना जुलना बढ़ जाएगा, तो वो एंग्जाइटी आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी, सो सोशलाइजेशन विल इंक्रीज। सोशलाइजेशन बढ़ जाएगा। अगर डाइनिंग एरिया आपका ईस्ट में, अगर वही डाइनिंग आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, तो मंथन बढ़ जाएगा, उसको अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से आपके घर में होने वाली एक्टिविटी या यूटिलिटी जो काम की है, या ऑब्जेक्ट्स जो भी आपने डेकोर कर रखा है, वो अगर आपने जून के एट्रीब्यूट के हिसाब से किया तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर गड़बड़ किया तो रिजल्ट आपको दिख जाएगा। महावास्तु की विशेषता ये है कि हम रिजल्ट पे काम करते ओके, हैं। जैसे मंजरी जी ने जिक्र किया कि इनके घर में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में डाइनिंग एरिया है और इनको डायबिटीज है, ठीक है। तो अब इसके लिए उपचार क्या हो सकता है? हमारा टारगेट वो उपचार करना है, राइट? हम समस्याओं पे बात नहीं करते, हम समाधान पे बात करते, क्योंकि समस्याओं पे तो डिस्कशंस बड़े लंबे जाते हैं। और समस्या है तो ही तो समाधान है। यस यस, ये महावास्तु की विशेषता है कि हम घर में सजावट के जैसा वास्तु नहीं करते, समस्याओं को टारगेट करते हैं, तभी हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर पाते हैं। भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, और आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आपको क्लैरिटी होगी कि ये प्रॉब्लम है, जब आप मुझसे या मेरे जैसे बहुत सारे महावास्तु एक्सपर्ट्स, आचार्य, सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, उनसे बात करोगे, तो उनको आपको सबसे पहले यही बताना पड़ता है कि समस्या क्या। मैं फिर ये बता दूं कि आप महावास्तु ट्रेनर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वसुधा जी प्लीज। जी, तो mvtrainer.net पे आप जाएं और वहां जाकर के अपने शहर का नाम पंच करिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अपने शहर में मेरे जैसे महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर आचार्य कौन कौन से हैं। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनका नंबर मिल जाए, और आपको वो यदि समय दे तो आप उनसे पर्सनली भी मिल सकते हैं। उसके लिए बस एक प्री रिक्विजिट है कि आपके पास में टू द स्केल मैप होना चाहिए। ओके, यस, व्हिच एनी ड्राफ्ट्स पर्सन यस, कैन मेक फॉर यू। राइट। ओके, तो वो जो आपका मैप, मैप में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से डायरेक्शन कहाँ है, तभी तो मैं रिलेट कर पाऊंगी जी। अच्छा, मान लीजिए मैंने तो रिलेट कर दिया, लेकिन मैं आपको कैसे बता पाऊंगी जब तक मैप सामने नहीं हो? बिल्कुल इसलिए मैप की अति आवश्यकता हो, ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने अभी जो जोन्स आपसे जिक्र किए, इनके आगे के जोन्स की बात हम नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट करेंगे। एपिसोड में करेंगे, बिकॉज वी हैव गॉन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यस नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, यस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यस नॉर्थ ईस्ट, ना नॉर्थ ईस्ट तो हो गया। देखो मैम, नो 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 मैं नो, बताऊँ प्लीज। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। जिसका काम उसी को समझे। तो अभी हमने बात कर ली वाटर के जोन्स की और एयर एलिमेंट के जोन्स की। यस, द ब्लू एंड द ग्रीन, ब्लू एंड द ग्रीन वंस। ओके, अब हम कल जो बात करेंगे वो होगी फायर एलिमेंट के जोन्स लाल। की, एंड अर्थ एलिमेंट जोन एंड स्पेस एलिमेंट जोन। ओके, सो फायर, अर्थ एंड स्पेस आर स्टिल लेफ्ट।
उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आप हमारे साथ बने हुए हैं माना टीवी लाइव के महावास्तु द साइंस ऑफ लिविंग के एपिसोड में महावास्तु आचार्य वसुधा जी के साथ। आप ये रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं माना टीवी इंटरनेशनल के फेसबुक पेज पर एंड डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माना इंटरनेशनल टीवी। विद दिस वी मीट अगेन, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली बार आपसे मिलते हैं बाकी जोन्स और उनके एलिमेंट्स की बात करते हुए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।